देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ज्ञान सरोवर में ग्राम विकास प्रभाग के सम्मेलन का उद्घाटन। ज्ञान सरोवर स्थित हार्मनी हॉल में ब्रह्म कुमारीज के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य रहा सर्वांगीण विकास का आधार शाश्वत योग्य खेती। इस सम्मेलन में देश भर से अनेक अतिथियों ने एवं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े भाई बहनों ने भाग लिया। सम्मेलन में 5 साल के लिए सरदार कृषि नगर दातीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय एवं ब्रह्मा कुमारीज के बीच MOU भी साइन किया गया, जिसके तहत कृषि क्षेत्र के अंदर रिसर्च की जाएगी। सम्मेलन के स्वागत एवं उद्घाटन सत्र में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका BK डॉक्टर निर्मला और संस्था के अतिरिक्त महासचिव BK ब्रिजमोहन ने अपने आशीर्वचनों से सभा को लाभान्वित किया। तो वहीं ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा BK सरला और उपाध्यक्ष BK राजू ने विषय के तहत अपने विचार रखते हुए कहा कि खेतों में बोए जाने वाले बीजों पर किसानों के संकल्पों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन विचारों के साथ किसान खेत में बीज डालते हैं, उसी के अनुरूप फसल की पौष्टिकता के परिणाम प्राप्त होते हैं। शाश्वत योग्य खेती से किसानों को समृद्ध व शक्तिशाली बनाया जा सकता है। शाश्वत यौगिक खेती का आधार योग है। आप में से जिन्होंने योग का अभ्यास नहीं किया है, वो जहाँ 3 दिन में जरूर करेंगे। भगवान कहता अपना दृष्टिकोण बदलिए, अपने मनोवृत्ति बदलिए, योगी बनिए। योगी का मतलब क्या है कि आई एम कनेक्टेड विद एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। मैं सारे ह्यूमन बींग्स के साथ कनेक्टेड हूँ और मुझे अपने कनेक्शन से देने का भाव रखना है। उसके लिए कहा जाता है शुभ भावना और शुभ कामना। यह है कर्मों की खेती। तो इस शाश्वत योगिक खेती का रिसर्च हमने दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय में किया। पुनः आज इसका एक नए रीति से हम MOU साइन किया है। मुझे ये आशा नहीं, दृढ़ विश्वास है कि भारत की जो प्राचीन कृषि संस्कृति, इसको यहाँ पर नाम दिया है शाश्वत यौगिक खेती। कि शाश्वत यौगिक खेती को अगर सही दिशा से अपना करके किसान भाई बहनें, जो हमारा भारत देश 70% किसानों का है, अगर ये सभी योगी बने और योगिक खेती करेंगे तो पूरा भारत फिर से अपने उस उच्चतम स्थिति को प्राप्त करेगा जो भारत पूरे दुनिया को मार्गदर्शन देता रहेगा। मुख्य अतिथियों में लखनऊ कृषि निदेशालय के असिस्टेंट डायरेक्टर बद्री विशाल, सरदार कृषि नगर दातीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के रिसर्च डायरेक्टर डॉक्टर CM मुरलीधरन, नई दिल्ली से भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी समेत कई महानुभावों ने शिरकत कर अपने दिल के भाव रखे, साथ ही संस्था द्वारा हो रही सेवाओं की जमकर प्रशंसा की। यदि मन का विकास हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, मन की स्थिति उच्च हो जाए तो ये सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। अगर इंसान दुरुस्त हो जाए तो ये प्रकृति दुरुस्त हो जाएगी, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। तो इस पर काम कोई नहीं कर रहा है, ये केवल और केवल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय इस योगी खेती के माध्यम से पूरे विश्व में कर रही है। पूरा गुजरात में दांतीवाड़ा कृषि यूनिवर्सिटी योगी खेती का संशोधन शुरू किया। 2013 में हम कुछ अनुकूल इसका रिजल्ट मिला। ये आगे बढ़ाने का सौभाग्य आप सभी लोगों के साथ हमको मिला, इसीलिए हम बहुत बहुत आभारी हूँ। हम बहुत वादा के साथ हमारा ये वादा करता हूँ, ये योगिक खेती आगे बढ़ाने का पूरा कोशिश जरूर करेंगे। अनेक लोगों के जीवन में एक जो निराशा का भाव आता है तो उसको दूर करने का बहुत बड़ा काम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के माध्यम से, राजयोग की शिक्षा के माध्यम से देने में एक बहुत अहम कार्य ब्रह्मा कुमारी की ओर से चल रहा है। किसानों के जीवन में अंधविश्वास एवं नकारात्मकता को मिटाने के लिए प्रभाग की सेवाएं निरंतर कार्यरत हैं। अनेक वैज्ञानिक शोध हमें यही इशारा देते हैं कि वर्तमान खेती में रसायनों का उपयोग हमारे स्वास्थ्य, जमीन और आने वाली पीढ़ी सभी के लिए हानिकारक है। विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
और हम स्वर्णिम भविष्य की कल्पना करते हैं जो दोनों के सामंजस्य से ही संभव है। प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुमंत, राष्ट्रीय संयोजिका बीके तृप्ति तो वहीं अन्य वरिष्ठ बीके बहनों एवं भाइयों के सहयोग से यह सत्र सफल रहा। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में दी कल्चर ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोजेक्ट की भव्य लॉन्चिंग। यह जूता है जापानी, ये पतलून हिंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिली है हिंदुस्तानी। Что ты видишь во сне, взмоет ввысь душа птица, сбросив бремя оков. रूस के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित लाइट हाउस रिट्रीट सेंटर पर एक नई मूल्य आधारित परियोजना द कल्चर ऑफ ह्यूमैनिटी की भव्य लॉन्चिंग की गई। रशिया के स्वर्णिम भविष्य के लिए, संस्कृति को समृद्ध करने के लिए एवं आपसी संबंधों को सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यता के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है, जिसमें समझ, आपसी सहयोग, समाधान और मानवता जैसे गुणों को उजागर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके लॉन्चिंग अवसर पर भारत में ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू से संस्था के प्रशासनिक प्रभाग के 23 सदस्यों समेत मुख्य अतिथियों में बुद्धिस्ट टेंपल के चीफ प्रीस्ट बुद्धा बदमेयू, कल्चर यूनियन ऑफ रशिया के चेयरमैन अनाटोली, सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके संतोष ने अपने विचार व्यक्त किए। जब नम्रता के आगे एक वर्ड ऐड किया गुणों के सागर परमात्मा ने और हम बच्चों के कानों में भूं भूं किया, इशारा किया, तो चाबी खुल गई और वो शब्द था ह्यूमिलिटी। सिर्फ ह्यूमिलिटी नहीं लेकिन डिवाइन ह्यूमिलिटी। डिवाइन ह्यूमिलिटी का मतलब है कि हम अपने को शरीर से अलग आत्मा जो सर्व गुणों से संपन्न है वो समझ करके व्यवहार करें। Брахма Кумарис особенно высок. Я хочу искренне от всей души поздравить с центр с 33-летием и пожелать счастья и здоровья всем наставникам и учителям. То есть в этом году российский президент teachers и гьяндатаун का साल अनाउंस किया है। तो इस श्रेणी में मैं ये कहूँगा कि ब्रह्मा कुमारी का रोल ज्ञानदाताओं के रूप में बहुत ऊंचा है और उन्होंने ये जो कार्य किया है वो प्रशंसा लायक है। और मैं इस 33 साल की एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में बहुत बहुत आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। यह प्रोजेक्ट सेंट पीटर्सबर्ग की 320वीं वर्षगांठ और सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज के ईश्वरीय सेवाओं की 33वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष बनाया गया है, ताकि जनमानस में आध्यात्मिकता का संचार हो और सभी एकता एवं भाईचारे से रहें। इस अवसर पर प्रशासक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, जोनल कोऑर्डिनेटर बीके राधा, मॉस्को से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके विजय ने भी उद्बोधित किया। आज डबल खुशी का दिन है। एक तो सेंट पीटर्सबर्ग को 320 साल का जन्मदिन मना रहे और दूसरा ब्रह्मा कुमारी सेंटर जो पिछले 33 साल से ईश्वरीय सेवाएं दे रहे उनका जन्मदिन मना रहे। इसलिए सबसे पहले तो मैं रशिया के हमारे सभी महान आत्माओं को मल्टी मिलियन टाइम्स कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। एक पीटर्सबर्ग का भी जन्मदिन है तो साथ में इस लाइट हाउस का भी जन्मदिन है। जैसे आज का प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, बहुत सुंदर ह्यूमिलिटी नम्रता का गुण है। शरीर में नम्रता होना एक फिजिकल फिटनेस की निशानी है। मन की नम्रता इंटरनली हम वो फिटनेस की निशानी है। अतिथियों में सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज एवं डिजाइन के प्रेसिडेंट प्रोफेसर विक्टर रोमानोव, बाल्टिक स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एचओडी बोरिस, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी नताल्या, एडॉप्टिव एवं प्रिवेंटिव मेडिसिन अलायंस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर शब्रो समेत जनरल कौंसुलेट ऑफ इंडिया के सभी स्टाफ मेंबर्स उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर माउंट आबू में भव्य नशा मुक्ति रैली निकाली गई। इस रैली का आयोजन ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर और ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग द्वारा किया गया। रैली के एक दिन पहले एक पेंटिंग स्पर्धा स्कूली बच्चों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाई।
जिसके लिए बच्चों को रैली के बाद पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। नशा मुक्ति रैली में माउंट आबू के अनेकानेक स्वयंसेवी संगठन एवं संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही रैली को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दिया। रैली को रवानगी देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के DIG, ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, प्रसिद्ध व्यवसायिक गीता अग्रवाल, बीके डॉक्टर बिनी, बीके सुजाता समेत कई नामी ग्रामीण लोग उपस्थित थे। आज का ये प्रोग्राम नशा मुक्ति का हम सबको एक प्रेरणा देगा कि हम इस जो कुरीति है या जो गलत चीजें अपनाते हैं लाइफ स्टाइल में, अपने आप को दूर रखें, अपने जो नज़दीक के लोग हैं उनको भी इससे दूर रखें, जिससे कि हम सभी नशा से दूर रहें, मुक्त रहें और अच्छे भारत और स्वस्थ भारत का निर्माण करें। वर्तमान समय दिन प्रतिदिन मन नकारात्मक होने के कारण मानव अनेक व्यसन बुराइयों का शिकार होता जा रहा है। नशा मुक्त समाज बनाने में राज्यों की अहम भूमिका है। यह बात कही अलीराजपुर की प्रभारी बीके माधुरी ने। दरअसल मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के स्थानीय सेवा केंद्र पर तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वो अपना संबोधन दे रही थी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश चंद्र गुप्ता, वरिष्ठ एडवोकेट एवं समाज सेवी रमन सिंह सोलंकी, समाज सेवी मदन परवाल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके नारायण समेत अन्य गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर अपने दिल के भाव व्यक्त किए। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि एक लत है, ये जब हम मेडिटेशन और राजयोग का अभ्यास करने लगते हैं तो हमारी कर्म इंद्रियां ऑटोमेटिक मेंटेन में रहती है और हम परमात्मा से वही वाली पावर आनंद की अनुभूति अपने जीवन में करने लगते हैं। जो व्यक्ति चैनलाइज ड्रिंक करते थे, चैनलाइज स्मोकिंग करते थे, एक एक दिन में 10-10 पैकेट बंदर, ऐसे जब राज्यों के अभ्यास करने लगे तो उनके अंदर इतना परिवर्तन आया कि वो हमेशा हमेशा के लिए वो आदत छूट गई। तो हम सब मिलकर ये प्रयास करें कि अपने को, अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को ये लत से दूर करने का कोशिश करें और इसमें अध्यात्म एक बहुत बड़ा माध्यम है। तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में एनेस्थीसिया डॉक्टर विजय शर्मा, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति के सचिव अभिनिंद्र खरे, शिक्षा विभाग के पूर्व DO राजकुमार मिश्रा, हाई स्कूल प्राचार्य मीना सिंह, सामाजिक न्याय विभाग से IA खान उपस्थित थे। इस मौके पर विद्यालय प्रांगण में नशा मुक्ति की प्रदर्शनी लगाई गई और नशा मुक्ति पर ड्रामा भी प्रस्तुत किया गया, जिससे अच्छी आदतों को धारण करने एवं बुरी आदतों को छोड़ने की शिक्षा मिली। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने कहा कि सभी तहसीलों में व्यसन मुक्ति की प्रदर्शनी और रैलियां आयोजित की जाती हैं ताकि लोग जागरूक रहें और अपने समय, धन और सांसों को इन नशे की आदतों के वशीभूत होकर व्यर्थ ना गवाएं। मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर क्षेत्र में और हमारे जिले में ही हम लोग देखते हैं, जहाँ जहाँ पर भी अपने ये बहन भाई काम कर रहे हैं, सभी लोग बहुत ही अच्छा सहयोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए। इसी कड़ी में नशा मुक्त भारत एवं इस साल की WHO की थीम मुझ में भोजन की आवश्यकता है तंबाकू की नहीं पर बस स्टैंड पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आध्यात्मिक एवं नशा मुक्ति की प्रदर्शनी के माध्यम से सैकड़ों आने जाने वाले लोगों ने इसका अवलोकन किया एवं नशे से होने वाले नुकसानों एवं बीमारियों से अवगत हुए। बस यूनियन सचिव मोहम्मद मकबूल, विश्वनाथ सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा, बीके सुमन समेत अन्य वक्ताओं ने आंकड़ों पर ध्यान खिंचवाते हुए बताया कि लाखों लोग नशे से जान गंवा रहे हैं। इसके पश्चात नशा मुक्त रैली भी निकाली गई और सभी से व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा भी कराई गई। ये जो हमारी ब्रह्म कुमारी आश्रम है, ये बहुत अच्छी प्रेरणादायक समुदाय चला रहे हैं और इस कारण से जो हमारी युवा पीढ़ी है नशा मुक्ति अभियान के तहत आगे कदम बढ़ाएगी और जो नशा करते हैं मैं उनसे अपील करता हूँ कि नशा कम से कम करें, यानी करें ही नहीं। कर्नाटक के गदक सेवा केंद्र में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर बाइक रैली आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन कर्नाटक सरकार आयुष संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव द्वारा किया गया। स्थानीय प्रभारी बीके जयंती ने सभा को समझाया कि किस तरह तंबाकू एक व्यक्ति की ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देता है। हमें भारत को तंबाकू मुक्त बनाना चाहिए, इसलिए मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए मानसिक नियंत्रण शिविर के आयोजन का होना आवश्यक है। रैली के माध्यम से जनमानस को जागरूक भी किया गया। इसी प्रकार ग्वालियर में प्रेस क्लब ग्वालियर और स्थानीय सेवा केंद्र के संयुक्त प्रयास से
ओल्ड हाई कोर्ट स्थित संगम भवन के द्वारा एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित हुई, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से तंबाकू के दुष्प्रभावों को जानकर उससे स्वयं को और अनेकों को मुक्त रख सकते हैं। इस विशेष आयोजन में नशे के दुष्प्रभावों एवं इससे मुक्ति के उपाय बताए गए, साथ ही साथ राजयोग से सशक्त जीवन बनाने के लिए किस प्रकार के साधन अपना सकते हैं उसका विशेष चित्रण किया गया। तंबाकू के सेवन से होने वाली कई खतरनाक बीमारियों की भी जानकारी दी गई। वहीं प्रदर्शनी में ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श, डॉक्टर गुरजन सिंह, बीके प्रहलाद, प्रेस क्लब अध्यक्ष राजेश शर्मा, मध्य प्रदेश पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र माथुर, सुरेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश दड़ौतिया सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।